आई हैव अ क्वेश्चन दैट कि मैं बीबीए के साथ साथ साइड से ग्रेजुएशन कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हो बेटा, बीबीए का जो कोर्स है, हमारा कॉलेज स्टेट गवर्नमेंट से एफिलिएटेड कॉलेज है, और जो तुम बीबीए का कोर्स कर रही हो, स्नेहा, बीबीए का फुल फॉर्म ही होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब तुम ये कोर्स कर रही हो तो तुम्हें कोई दूसरा ग्रेजुएशन का कोर्स करने की आवश्यकता ही नहीं। तुम बीए करोगी तो बैचलर ऑफ आर्ट्स होगा, तुम बीएससी करोगी तो बैचलर ऑफ साइंस होगा, तुम ऑलरेडी अगर बीबीए कर रही हो हमारे कॉलेज से तो बैचलर कोर्स तो ये भी है, तो दो दो बीबीए करने की कोई जरूरत नहीं होती है, दोनों में से कोई एक कर लेना काफी होता है। तो बीबीए कोर्स के साथ तुम्हें किसी और ग्रेजुएशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बीबीए कोर्स करने के बाद तुम किसी भी सरकारी जॉब में जहां एक ग्रेजुएट की जरूरत होती है, यू विल बी एबल टू अपियर फॉर द एग्जामिनेशन। इवन इफ यू विश टू अपियर फॉर यूपीएससी और पीसीएस, यू कैन अपियर फॉर दोज एग्जामिनेशन। तो बीबीए कोर्स करने के साथ कोई दूसरा कोर्स करने की आवश्यकता ही नहीं है। यहां मैं ऐड करना चाहूंगी स्नेहा, द इम्पोर्टेंस ऑफ वोकेशनल कोर्सेज। जैसे एक समय पर खाली हम सुनते थे बीए है, बीएससी है, ठीक है, बीकॉम ट्रेडिशनल ऑनर्स कोर्स है, आज हम सुनते हैं बीबीए है, बीसीए है, बीकॉम प्रोफेशनल है। नाउ रेलेवेंस ऑफ दीज कोर्सेज आर कि ये आपको और ज्यादा करियर सेंट्रिक या जॉब ओरिएंटेड बनाती है। इसीलिए अब जो ये ट्रेंड देखा जा रहा है यूथ का, वो इन ट्रेडिशनल कोर्सेज को छोड़कर इन जॉब ओरिएंटेड या वोकेशनल कोर्सेज में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी, बहुत सी आईटी कंपनीज या बैंकिंग सेक्टर्स हैं जहां लिखा रहेगा बीसीए चाहिए, ठीक है, वहां लिखा रहेगा बीबीए चाहिए, तो वहां पर सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं, नॉर्मल बीए ग्रेजुएट नहीं अप्लाई कर सकता या नॉर्मल बीएससी ग्रेजुएट नहीं अप्लाई कर सकता, समझ रहे हो? बट जहां लिखा होगा ग्रेजुएट्स कैन अप्लाई, वहां बीबीए बीसीए के छात्र बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, विच मीन्स यू हैव एन अपर हैंड कि आप प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर उस कंपनी में अप्लाई कर सकते हो जहां पर ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बट नॉर्मल ट्रेडिशनल बीए बीएससी ग्रेजुएट हर कंपनी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यस मैम, आई होप यू गॉट द आंसर स्नेहा। देन इफ यू यस सर, थैंक यू सर।